आज जो है यहाँ जेपी हेल्थ पैराडाइज हरिद्वार सेंटर से मैं डॉक्टर विजय वर्मा हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। और आप लोगों को सबको पता है कि हमारे यहाँ जो ऑटिज्म का ट्रीटमेंट है वो बहुत सक्सेसफुल हो गया है। और बार बार मैं 100% इसलिए बोलता हूँ कि जो पेशेंट अपना ट्रीटमेंट डाइट और इन सब के साथ पूरा कर लेते हैं, धीरज के साथ करते हैं, उनका बच्चा ठीक होता है। कोई कोई पेशेंट अगर बीच में दवाई छोड़ के चला जाए तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अब इस ट्रीटमेंट की सफलता का राज यह है कि बोलने से कुछ पहले मैं भगवान गणेश जी को प्रणाम करूँगा, धन्वंतरम जी को प्रणाम करूँगा, साक्षात चरण सर्पित करूँगा, उनका आशीर्वाद लेके ये वाणी में बोल रहा हूँ। क्योंकि पूरे विश्व के अंदर ये ऑटिज्म बुरी तरह से फैल चुका है, भयंकर भयंकर बीमारी हो रही है। बच्चे का बोलना बंद हो गया, हाइपर एक्टिव हो गए हैं, वो काटने लगे हैं, आई कांटेक्ट नहीं है, पागलों की तरह से व्यवहार हो रहा है। अब एक रास्ता ये निकल के आया है जो कि हमारे प्रोटोकॉल जेपी हेल्थ पैराडाइज का है, जिसके अंदर डाइट चेंज करते हैं, थोड़ी सी दवाइयाँ देते हैं और पंचकर्मा सिस्टम। अब हाँ, आज का हम जो विषय है वो पंचकर्मा में क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। अब पंचकर्मा में तो बहुत सारे कर्म हैं, पांच कर्म होते हैं, लेकिन जो यहाँ पे हमने लिए वो तीन कर्म लिए। तीन कर्म में पूरे शरीर में मसाज किया जाता है, जिसको हम लोग आयुर्वेद में स्नेहन करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर वैभव भी जी हैं जो कि पंचकर्मा स्पेशलिस्ट हैं, और मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो ये पूरा का एक इंटीग्रेटेड मेडिसिन की तरह से हमने तैयार किया है, जो कि एलोपैथिक सिस्टम के साथ आयुर्वेदिक सिस्टम को जोड़ते हुए ये सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑटिज्म का निकल के आया है। तो डॉक्टर साहब, हम कुछ बातें हमें आयुर्वेद की बताएंगी और कुछ बातें मैं एलोपैथी सिस्टम से भी साइंटिफिकली ढंग से बनाऊँ। तो ये सब चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट है ये बस्ती ट्रीटमेंट, जो कि पेट में दवाई डाली जाती है। इससे बहुत इम्प्रूवमेंट आता है। ये दवाइयाँ लगातार 1.5 महीने तक डालते हैं, 2 महीने तक डालते हैं। आयुर्वेद का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बढ़िया इलाज, सबसे सक्षम इलाज ये बस्ती ट्रीटमेंट है, जो कि वर्षों वर्षों से चला आ रहा है, युगों युगों से कहूँगा जब से आयुर्वेद चला है। आयुर्वेद में बस्ती को संपूर्ण चिकित्सा भी कहा गया है। तो ये आयुर्वेद वाले बताएंगे हमको, डॉक्टर साहब जो पंचकर्मा स्पेशलिस्ट है, कि बस्ती क्या होती है। तो सबसे पहले बस्ती कहाँ पे आई? तो आयुर्वेद में हमने पंचकर्मा नाम बहुत बार सुना है, पंचकर्मा सेंटर होते हैं। सो पंचकर्मा में बहुत एक वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसका एक पार्ट है बस्ती। जैसा विजय वर्मा सर ने बताया कि बस्ती को आयुर्वेद में संपूर्ण चिकित्सा भी कहा गया है। तो बस्ती का जो हमें वर्णन मिलता है वो हमारे चरक संहिता में मिलता है, हमारी सुश्रुत संहिता में मिलता है, और हमारे वाग्भट में मिलता है, जिसे अष्टांग संग्रह या अष्टांग हृदय कहते हैं। तो हर जगह हमें इसका वर्णन मिलता है। और बस्ती जब हम इस्तेमाल करते हैं, बस्ती जैसे तीन प्रकार के दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो वात में 80 प्रकार के रोग बताए गए हैं, जिसको ट्रीटमेंट के लिए बस्ती को एक बहुत ही उत्तम एक प्रक्रिया बताई गई है वात दोष के लिए। तो हम ऑटिज्म में इस बीमारी में बस्ती का प्रयोग करते हैं। बहुत बार हम जब JPH में यहाँ पे हम ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट का, तो पेशेंट हमसे कहते हैं कि हमारे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन नहीं है, हमारे बच्चे को लूज मोशन नहीं है, फिर भी आप हमें बस्ती ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं या क्यों सजेस्ट कर रहे हैं। सो एक लेमैन के लिए मैं ये बताना चाहूँगी, आम आदमी के टर्म में, कि जब हम कोई भी दवाई खाते हैं तो खाने का तरीका है मुँह से लेते हैं और वो पेट में जाती है। उस दवाई में जो भी सामान पड़ा है या जो भी उसका एक्शन है वो पेट से एब्जॉर्ब होके उस पर्टिकुलर जगह पे एक्ट करती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो दवाई मुंह के किसी चीज़ के लिए है या सिर्फ पेट के लिए है। वो दवाई पूरे शरीर पे काम करेगी, लेकिन लेने का जरिया मुंह है और जाती पेट में है। बस्ती भी इसी तरीके से देने का जरिया एनस रूट है, यानी लेटरिन के रास्ते देते हैं, और वो जाती है हमारे रेक्टम में या लार्ज इंटेस्टाइन का जो एक एंड पार्ट है वहाँ पे जाती है और वहाँ से एब्जॉर्ब होती है, तो पूरे शरीर में काम करती है। और काम करने के लिए जो भी जड़ी बूटियाँ या जिस बीमारी के लिए वो दी जा रही है उसके एक्शन के अकॉर्डिंग वो उस शरीर को अपना
उस जगह को टारगेट करती है। तो सबसे पहले ये एक भ्रांति है कि सिर्फ लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन के लिए ही बस्ती काम करेगी, नहीं बिल्कुल नहीं। ये इसका उसका एक्शन डिपेंड करता है कि कौन सी जड़ी बूटियाँ हमने उसमें मिलाई हैं। अब बस्ती क्या होती है, तो आयुर्वेद के टर्म में अगर मैं कहूँ तो बस्ती, जैसे मैंने भी बताया, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लैट्रिन के रास्ते हम दवाई डालते हैं और ये वात, जो वात रिलेटेड हमारी बीमारियाँ हैं उसमें बहुत ही उत्तम काम करती है। आयुर्वेद में मेजर एक दो डिपार्टमेंट हैं, अनुवासन बस्ती और निरू बस्ती। सो अनुवासन बस्ती वो है जो कि आपका ऑयल से, या जिसका जो बेस है वो ऑयल है या घी है, और निरू बस्ती जैसे हम काढ़ा बनाते हैं जिसका जो बेस है वो पानी होता है और काढ़ा बनाया जाता है, वो आप निरू बस्ती में समझ सकते हैं। निरू बस्ती में अपनी बहुत सारी हज़ारों बस्तियाँ बना सकते हो आप, दूध का बेस लेके, पानी का बेस लेके, गौमूत्र का बेस लेके आप बहुत सारा हम क्रिएट कर सकते हैं। अनुवासन में जो बेस आता है वो ऑयल और घी का होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से बताया आयुर्वेद में बस्ती कैसे बनती है। बस्ती का अगर हम प्रकार देखेंगे जो आयुर्वेद की नॉलेज, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं करीब 12 साल से कर रहे हैं, और 12 साल से लगातार इसमें जो अनुभव के साथ में इम्प्रूवमेंट करते चले गए, नई नई चीज़ें आते चले गए, नई नई चीज़ें सीखते चले गए, तो ये चरक की किताब है, इसका फ्रंट कह गया। तो ये चरक जो है, जब आप इसमें पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बस्ती सैकड़ों तरीके की होती हैं, और बस्ती महासमुद्र है। अब इन्होंने अभी बताया अनुवासन बस्ती और निरू बस्ती। जो अनुवासन बस्ती होती है, पहले तो चरक संहिता के चरक भगवान जी को मैं प्रणाम करता हूँ, तो जिनको इसके बारे में नॉलेज लेनी है वो चरक संहिता से बस्ती के बारे में और बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन सारांश में थोड़ा सा मैं ये बताऊँ कि बस्ती एक महासमुद्र है, दो तरह से बनाते हैं, एक तो अनुवासन जिसके अंदर स्नेह और तेल ज़्यादा होता है, और दूसरा निरू बस्ती जिसमें काढ़ा होता है। अब इसमें से आपको इस बीमारी के लिए चूज़ करना, ये सबसे बड़ा काम है, ये डॉक्टर का, वैद्य का, साइंटिस्ट का, वैज्ञानिक का कार्य होता है, जो कि बहुत सटीक होना चाहिए, तभी जाके उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। और बस्ती में सबसे बढ़िया बात ये होती है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट होते नहीं हैं। तो ये जो हमारे JP हेल्थ पैराडाइज की बस्ती है, ये अपने आप में एक संपूर्ण बस्ती बन के आई है। ये भी एक तरह की नहीं है, हर तरह की बस्तियाँ हर बच्चे को देख के डिफरेंट दी जाती हैं। किसी में हनी भी देते हैं जो कि योगवाहक है, किसी की मात्रा ज़्यादा होती है, किसी में दवाइयाँ कम होती हैं, कभी हम लोग बस्ती को लगातार देते हैं, कभी एक दिन छोड़ के देते हैं, तो वो तो पेशेंट को पेशेंट है। अब इन्होंने ये बता दिया कितनी तरह की बस्ती होती है और बस्ती कैसे बनती है। ये हमने जब चूज़ करके इसको बनाने की कोशिश की है तो उसको बहुत समय भी लगता है, इसमें बहुत टाइम, और उसके साथ में इसमें बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है। तो वो तो हमारा साइंटिफिक फैक्ट है, लेकिन इसके लिए हमने क्या किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो भी हम मटेरियल इस्तेमाल करेंगे हम उसको एनालिसिस कराएंगे। ये एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से, और एज ए डॉक्टर, एज ए साइंटिफिक, उसके हिसाब से हमको ये देखना है कि किसी भी चीज़ को जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में उससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के हिसाब से ये रिजल्ट्स हैं, जो कि जो बस्ती मटेरियल का जो बेस है उसको जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें इन्होंने इसको क्लियर करके दिया है कि देर इज़ नो एनी मेटल भी नहीं है कुछ इसके अंदर, और सब हर्ब हैं और कोई इसका नुकसान नहीं होता। तो ये हमारी सेफेस्ट सेफ्टी रिपोर्ट है, इसके लिए आप लोग इस मामले में बिल्कुल इंश्योर हो जाइए कि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट या अनटोवर्ड इवर्ट्स या एडवर्स इफ़ेक्ट कोई होगा। क्योंकि बस्ती में लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, बच्चे से डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा इसको, वो कई सारे पेशेंट भी बोलते हैं पता नहीं दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, और इससे कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए। तो बस्ती कैसे बनी, कितनी तरह से हुई, अब ये बताइए। देखिए, जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसका कोई ना कोई इफ़ेक्ट होता है। अब बस्ती का इफ़ेक्ट होगा ही होगा, तो इसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं आप आयुर्वेदिक दृष्टि से बताइए, मैं एलोपैथिक दृष्टि बता दूँगा। तो जब आयुर्वेद में हम जाएंगे तो बस्ती के जो इफ़ेक्ट हैं, जैसा मैंने बताया कि तीन तरीके से दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो जब हम बस्ती का इस्तेमाल करते हैं तो हम वात दोष को टारगेट करते हैं, और जो भी वात दोष से रिलेटेड बीमारियां होती हैं
वो कंट्रोल में आने लगती हैं। अब इसके अंदर जो हर्ब्स हैं वो हम उसको पथ पित्त दोष के अकॉर्डिंग, कफ दोष के अकॉर्डिंग भी हम उसमें यूज़ कर सकते हैं कि कफ शामक, पित्त शामक, या अगर हमें किसी चीज़ की वृद्धि करनी है या उसको संतर्पण करना है, यानी बच्चा बहुत वीक है और हमें उसका मसल मास बढ़ाना है या उसका वेट बढ़ाना है, तो हम उस अकॉर्डिंग उस हर्ब्स को यूज़ करें। तो हम जो हर्ब्स का मिक्सचर डालेंगे वो उस तरीके से डालेंगे कि हमें बच्चे में क्या चाहिए। जब नर्व्स की वीकनेस होती है तो वो वात दोष होता है। जब बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, बेचैन है, एक जगह टिकता नहीं है, तो ये भी एक तरीके का वात दोष है, क्योंकि ये वात की आप देखेंगे तो ये वात की क्वालिटी होती है वायु, जो एक जगह टिकती नहीं है, कभी इधर बहती है कभी उधर बहती है, चंचल है, एक जगह नहीं टिकती। तो ये जो प्रकृति है बच्चों में, ये वात दोष की प्रकृति है। ऐसे ही बहुत सारे पित्त दोष की प्रकृति होती है, कफ का होता है। इन सारे सिम्टम्स को गैदर करके उनके अकॉर्डिंग हर्ब्स का और बेस लेके हम बस्ती को बनाते हैं और वो इन दोषों पे काम करती है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि जब हम एलोपैथी में बात करते हैं तो ये जब हम बस्ती देते हैं तो ये हमारे शरीर की फिजियोलॉजी में या एनाटॉमी में किस तरीके का बदलाव लाती है और किस तरीके से काम करती है? बहुत अच्छा, वेरी गुड और साइंटिफिक क्वेश्चन है ये, और ये सबको जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि बस्ती का जो डर है ना वो निकलना बहुत ज़रूरी है, और कैसे काम करना है ये हमको एक्सप्लेन करना चाहिए, ये हमको करना चाहिए। अब क्या होता है कि ये जो मटेरियल है इसको मैंने पर रेक्टल न्यूट्रिशन कहा है। पर रेक्टल न्यूट्रिशन मतलब वो न्यूट्रिशन जो रेक्टम में दिया जाता है, और एक समय में अमेरिका में एक प्रेसिडेंट हुए, उनका नाम क्या था, उनको गोली मारी गई थी, तो लास्ट स्टेज में उनको ये पर रेक्टल न्यूट्रिशन दिया गया था और उनकी लाइफ थोड़े दिन के लिए बढ़ी थी, जो हिस्ट्री में मैंने देखा था। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो रेक्टम है, जो गट है, उसके अंदर ब्लड की सप्लाई होती है इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से, तो वहाँ पे ही और वेंस भी होती हैं, तो रेक्टम का जो वाल है वहाँ से ये दवाइयाँ उस वाल पे जब लग जाती हैं तो वहाँ से इंग्रेडिएंट्स इसके जो होते हैं एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगर हम इसको कहें कि ये आयुर्वेदिक इंजेक्शन है जो कि एनएस के रास्ते दिया गया, तो क्या कोई गलत काम होगा? नहीं। तो कुछ को लोगों को ये बच्चे ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चों को तो कॉन्स्टिपेशन है नहीं, तो हमें बस्ती देने की क्या जरूरत है? तो उसका आंसर ये है कि भैया ये कॉन्स्टिपेशन के लिए नहीं है, ये गलत है। जब गट की जो वाल है वो स्ट्रेंथ होगी, उससे उसके अंदर एक न्यूट्रिशन मिलेगा, उसके बाद वहाँ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ से डायरेक्ट एब्जॉर्ब होगी, और एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में जाके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगी और न्यूरोट्रांसमीटर्स बनेंगे और स्पीच सेंटर से स्पीच की तरफ सिग्नल्स आने शुरू हो जाएंगे। अब जो ये बस्ती का ये तो थोड़ा मैकेनिज्म रहा, एक चीज़ और होती है कि ऑटिज्म की जो अभी नई रिसर्च निकल के आई है वो ये है कि ये प्रॉब्लम गट से शुरू हुई, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन गट या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया थे वो इन बच्चों में बिल्कुल बदले हुए मिले हैं, जो बैक्टीरियन जीनोनॉम है वो बदल गया। अब उसको कैसे ठीक करेंगे? तो ये बस्ती एक तरह का मीडिया का काम भी करती है, जैसे आपने दूध जो है मीडिया का काम करती है, उसमें थोड़ा जामन लगाया लैक्टोबैसिलस हो गया तो लैक्टोबैसिलस बच जाते हैं। तो ऐसी जब इसमें हम ये डाल देते हैं, इसके अंदर घी है, इसके अंदर तेल है, इसके अंदर 100 से भी ज़्यादा दवाइयाँ हैं, तो वहाँ पे वो मीडिया की तरह काम करती हैं और वहाँ पे अच्छे वाले बैक्टीरिया पनप जाते हैं, और जैसे ही अच्छे बैक्टीरिया पनप जाते हैं तो वहाँ के जो फैटी एसिड्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं और बहुत सारे विटामिन जनरेट करते हैं विटामिन। तो उससे क्या होता है कि पूरी की पूरी बॉडी के अंदर एक पॉजिटिव इफेक्ट आ जाता है, एक हेल्थ की तरफ सिस्टम चलता है, जो खाता है बच्चा उसका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होने लगते हैं और उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फिजिकली भी और मेंटली भी होने लगती है, क्योंकि ऑटिज्म तो एक तरह का न्यूट्रिशन फेलियर है। तो ये बस्ती का हमारा साइंटिफिक इफेक्ट है। क्या इसकी कोई एज लिमिट है कि हमें इस एज के बाद से बस्ती स्टार्ट करनी चाहिए? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या हुआ था 2012 में जब हमने ये शुरू किया था, तो मैंने यहाँ पे आयुर्वेदिक वगैरह डॉक्टर से भी बात की, तो उन्होंने बताया कि बस्ती जो होती है 14 साल से नीचे नहीं देते, कुछ लोग कहते हैं 10 साल से नीचे नहीं देते, बहुत 6 साल से नीचे नहीं देते, बहुत सारी जगह मेंशन है। लेकिन जब हमने पढ़ा तो हमने एक प्रसंग देखा, बहुत बड़ा प्रसंग ये था कि उस समय में अगर आप ऋषि मुनियों की जो हमारे इसमें सब लिखी हुई है, मैं तो हैरान हूँ पढ़ के, कि वहाँ पे भी सेमिनार होते थे जैसे अब सेमिनार होते हैं, तो ऋषियों की उस सभा के अंदर ये प्रसंग इतना ज़बरदस्त है
कि उस सभा के अंदर यही बात चल रही थी कि कितनी उम्र में बच्चे को बस्ती देनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो होता है ना कोमल होता है बहुत, तो अधिकांश लोगों ने कहा 14 साल से नीचे नहीं देनी चाहिए, किसी ने कहा 12 साल, किसी ने कहा 10 साल, होते होते 5 या 6 साल से नीचे तो सबने मना कर दिया। लेकिन उस सभा में एक ही गार्गी थी, गार्गी ऋषि विदुषी ऋषि थी जो वेदों में बड़ा उसका नाम भी है गार्गी का, और गार्गी ऋषि ने कहा कि नहीं, जन्म से दी जा सकती है। तो जन्म से दी जा सकती है तो नियोनेट्स को दे सकते हैं। वहीं पे मेरे दिमाग में ये बात आई, तो मैंने ये सोचा कि ये गार्गी ऋषि जो ये बोल रही है ये कैसे बोल रही है, बाकी सारे ऋषि जो थे वो मेल थे, ये फीमेल, ये महिला थी, तो ये माँ है, तो गार्गी ऋषि की बात को हमने एकदम से स्वीकार कर लिया कि माँ जो बच्चे को पालती है, जो देखभाल करती है, वो उसका अहित नहीं कर सकती कभी भी। तो उसके दिमाग में जो बात आई वो बात मेरे दिमाग में आई और मैंने न्यूनेट्स बच्चे को बस्ती देना शुरू किया। तब से मैं जॉन्डिस के बच्चों को भी हमने बस्ती दी है, वो बस्ती बहुत कम मात्रा में शहद के साथ मिलके देते हैं, जिसके मधुतैलिक बस्ती कहते हैं। वहाँ से इस जो इतना बड़ा कार्यक्रम शुरू हो गया उसकी शुरुआत हुई। तो ये बस्ती तो हम जस्ट बॉर्न बेबी से दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो वैद्य है, जो डॉक्टर है, उसको बहुत सावधान रहना है। वो हम घर पे नहीं देंगे, वो हम किसी डॉक्टर के अंडर ही देंगे जिसे उसकी नॉलेज हो और जहाँ पे नियोनेटल इंटेंसिव केयर सेटअप हो, सेटअप हो, क्योंकि इसको हमने इंटीग्रेट किया है। हमारे पास ऑक्सीजन भी होनी चाहिए, हमारे साथ इंक्यूबेटर वगैरह सब होने चाहिए, वेंटिलेटर की जरूरत पड़े तो होने चाहिए, तो हम बस्ती देते हैं। ठीक है, जो हम बस्ती देते हैं आप कहते हैं कि पर्टिकुलरली इसको 4 इंच या 3 इंच दीजिए, सो 4 इंच और 3 इंच ही क्यों? हाँ, ये बहुत साइंटिफिक बात है, क्योंकि क्या है ना, जब आप एनाटॉमी में रहेंगे, जो हमारा जो इंटेस्टाइन है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसके बाद रेक्टम आता है, रेक्टम के बाद एनस आता है। तो जो एनस है वो स्फिंक्टर है, जहाँ से वो हमेशा बंद रहता, नहीं तो लैट्रिन बाहर निकलती जाएगी। तो जो स्फिंक्टर है उसकी जो लंबाई होती है वो करीब 1 से 1.5 इंच होती है, बच्चों में थोड़ी कम होगी, मान के चले 1 इंच हो गई, बड़े में 1 से 1.5 इंच होगी या 1.25 इंच बच्चों में हो जाएगी। तो 1.5 इंच का तो मामला ये चला गया, अगर हम 1.5 इंच डाल के देंगे तो जाएगी नहीं दवाई, हम यूँ पूछ करेंगे या तो अंदर जाएगी नहीं या बाहर निकल आएगी। तो 1.5 इंच से आगे जाके जो रेक्टम होता है एडल्ट का, वो 10 से 12 सेंटीमीटर तक होता है। तो 10 सेंटीमीटर का मतलब ये है कम से कम 4 इंच, 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच हुआ, 5 का 2, 10 का 4 इंच, तो आगे हम 2 इंच और डाल देंगे, तो 3 से 4 इंच। इसलिए तो जो रेक्टम होता है वो एक तरह का एम्पुला है, जो काफ़ी बड़ा गैप है, गुब्बारे की तरह थोड़ा सा गुब्बारा समझो, और उसके अंदर जो एनस है वो थोड़ा टाइट है, तो उसमें जैसे 1.5 इंच की तरफ थोड़ा सा हमने कुछ कर दिया, 3 इंच अंदर डाल दिया, उसके बाद धीरे धीरे हम इसको डालेंगे तो जो स्पेस है उसके अंदर ये दवाई डिपॉजिट हो जाएगी, फिर वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, फिर वहाँ से एब्जॉर्ब होगी। इससे कोई रिएक्शन नहीं होती है कि हमने डाला तुरंत लूज मोशन हो गया, ये एनीमा नहीं है। तो बस्ती को आप लोग एनीमा मत जानिए, कितनी बस्ती देनी चाहिए और बस्ती को कब डालना चाहिए। तो डालने का समय तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि रात को डाल दो, मालिश करने के बाद में रात को डाल दो और नेपी पहना दो उसको, वो अगले दिन सुबह भी निकल सकती है और शाम को भी निकल सकती है, और उस समय भी निकल सकती है, 5 मिनट बाद भी निकल सकती है, 2 घंटे के बाद भी निकल सकती है। कितनी डालनी है इसकी मात्रा हम लोग बच्चे के वेट के हिसाब से निर्धारित करते हैं। सारे बच्चों में हुई है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। कुछ कभी कभार बस्ती देते हुए किसी को ऐसा लगता है कि हमें लूज मोशन हो रहे हैं बच्चे को, या डिस्कम्फर्ट हो रहा है, पर वो डिस्कम्फर्ट इसलिए क्योंकि वो एक नई थेरेपी है, वो उसको यूज टू नहीं है उस चीज़ के लिए, इसलिए बच्चा 1-2 दिन थोड़ा कॉपरेट नहीं करता, पर 3rd-4th दिन वो बहुत अच्छे से कॉपरेट करते हैं और खुद, मतलब उन्हें अपने अंदर से हेल्थ महसूस होती है, तो वो खुद माँ बाप के पास आते हैं कि हमें ये बस्ती डाल दीजिए। तो वो जो एक वो डिस्कम्फर्ट है वो इसलिए क्योंकि वो नई चीज़ है उनके लिए, और इसका कोई डिस्कम्फर्ट और ऐसे कोई पेन नहीं देती, इसकी कोई ऐसी सेंसिटिविटी नहीं है कि आपको इससे पेन होगा। आप अगर खुद ही देखेंगे तो ये बहुत ही पतला सा पाइप है, इसे भी ल्यूब्रिकेट करके डाला जाता है, तो इससे कोई पेन नहीं होता किसी भी प्रकार का।
ऐसा हुआ है, कई बार के एक्सपीरियंस हुआ है, बच्चे जो है पहले या दूसरे दिन रजिस्टर करते हैं और उसके बाद वो खुद ही मम्मी के पास आते हैं कि मम्मी जी हमारे को दवाई डाल दो, क्योंकि उनसे उनको एक क्या है कि दूसरे या तीसरे दिन ही बच्चे के अंदर एक हैप्पीनेस आ जाती है। जैसे ही अंदर का कॉन्स्टिपेशन, ये मल जमा हुआ है, निकलता है, तो आप लोग भी जब मॉर्निंग में पेट साफ होता है तो फ्रेशनेस आती है, तो बच्चे के अंदर फ्रेशनेस आने लगती है। तो बस्ती ट्रीटमेंट करने के बाद पहला असर क्या आएगा कि बच्चे को नींद आनी शुरू हो जाएगी। जब नींद आनी शुरू हो जाएगी तो समझ लीजिए कि ट्रीटमेंट का असर आने लगा है। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन को ग्रोथ करने के लिए, और जब नींद अच्छी आने लगेगी तब आई कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, आई कॉन्टैक्ट बढ़ेगा उसके बाद में स्पीच आएगी, स्पीच सबसे बाद में आती है। तो कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, टाइम भले ही लग सकता है। स्टार्टिंग में हम लोग बस्ती लगातार देते हैं, बाद में अल्टरनेट डे करते हैं, कोई बस्ती किसी को देनी है, किसी में शहद मिलता है, किसी में नहीं मिलता है, तो ये तरह तरह की बस्तियाँ हम यहाँ पर बनते हैं। लेकिन कुछ लोग, कुछ मूर्ख लोग ऐसे हैं कि उन्होंने एक परिवार है दिल्ली के अंदर, उनका हमने ट्रीटमेंट किया तो उन्होंने सोचा ये बस्ती बड़े आराम से हम बना के बेच देंगे और उन्होंने अपना धंधा शुरू कर दिया। तो मैं नाम तो नहीं लूँगा, आप लोग सावधान हो जाएं। ऐसी JPL पैराडाइज की तरफ से ऐसा कोई बस्ती किसी को नहीं हमने अलाउ किया हुआ है, और हमारी ये जो बस्ती का ये ट्रीटमेंट का ये जो हमारा पैकेज है, इसमें JPL पैराडाइज का ये देखिए आप, ये हमारा पेनेशिया अटर्नल का वर्ड देखेंगे तो रामबाण जिसको कहते हैं, और एक ऐसी विद्या, ऐसी दवाई जो कि पहले भी काम करती थी, अब भी कर रही है, और डिफरेंट बीमारियों में वो काम करती है। तो वो तो पेनेशिया अटर्नल का ये हमारा रजिस्टर्ड लोगो है, और हमारी बस्ती का जो मटेरियल है उसमें ये लिखा रहता है, रजिस्टर्ड लोगो है, इसमें सिग्नेचर भी होते हैं, और साथ में ये स्कैन, ये स्कैन कोड है, ये स्कैन कोड हमारे एक नंबर से आएगा, तो इसलिए आपको कौन सी अथेंटिसिटी उसमें आपको प्रूव हो जाएगी। तो सावधान भी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही बच्चे का बच्चा इतना कोमल होता है, उसको हमको बहुत ध्यान से इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि कहीं किसी का कोई नुकसान नहीं हो जाए। ये हमारा एक मिशन है, हमको ईश्वर ने एक रास्ता दिया है इस मानवता के कल्याण के लिए, पूरे पृथ्वी पे हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ सब चीज़ों में देख रहा हूँ कि पूरे वर्ल्ड में ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, और इसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है हमारे डाइट के साथ में चेंज करने से हुआ, हमने घी खूब खिलाना शुरू किया बच्चों को, जिससे नर्वस सिस्टम बना। यही ट्रीटमेंट ऑटिज्म के लिए सक्सेसफुल होगा, आपके दिमाग से टेंशन निकले, और कम से कम आपके दिमाग में ये बात हो कि भाई ऑटिज्म का ट्रीटमेंट है, इसका सलूशन है, मेरे पास बहुत सारे फीडबैक हैं इसको प्रूव करने के लिए, सैकड़ों की संख्या में मेरे पास फीडबैक आ चुके हैं। इसलिए ऑटिज्म से बिल्कुल नहीं डरो मत, ऑटिज्म से डरो मत, ऑटिज्म से डरो मत।